हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में लीस्ट कॉस्ट मेथड देखेंगे। उसी को हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं और शॉर्टकट में LCM भी कहते हैं। ये मेथड हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो आपको ये चेक करना है कि दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं, तो आपको यहाँ पर सप्लाई और डिमांड दी हुई रहती है उन्होंने। तो टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड है, तो आपका जो दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं पहले वो चेक कर दूंगी बैलेंस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या नहीं। तो डिमांड 25 + 25 + 25 = 75 आ गया, और 9 + 28 + 20 + 18 इसकी एडिशन करने के बाद मुझे 75 आ गया। तो डिमांड की एडिशन और सप्लाई की एडिशन 75 ही आ रही है दोनों की, तो हमें दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, देयरफॉर गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस। बैलेंस है तो हम वो अभी LCM मेथड से सॉल्व करते थे। तो दिया हुआ प्रॉब्लम में पहले रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो ये हमने दिया हुआ जो उन्होंने प्रॉब्लम है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमें ये प्रॉब्लम जो है वो LCM मेथड से, मींस लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो है 10, 6, 3 यहाँ में दी हुई कॉस्ट है, तो पहले उसी सेल को अलोकेशन करेंगे जिसकी कॉस्ट कम हो। फिर से मैं बता रही हूँ, हम उसी सेल को अलोकेशन कर देंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। तो यहाँ पर ये जो है 10, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 8, 6, 5, 7, 9 यहाँ में कॉस्ट दी हुई, तो ये हम पहले ये निकालेंगे कि किसकी कॉस्ट मिनिमम है। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर 3 ही सबसे मिनिमम कॉस्ट है, तो हम ये सेल को पहले एलोकेशन कर देंगे। तो फिर से मैं एलोकेशन करने, ये मैंने सेल सेलेक्ट कर दी। तो यहाँ पर अलोकेशन करने के लिए मैं सप्लाई और अप्रोप्रिएट डिमांड चेक कर दूंगी। सप्लाई है 9, डिमांड है 25, तो मैं मिनिमम जो है उसका अलोकेशन कर दूंगी। तो 9 और 25 में मिनिमम क्या है 9, मैंने 9 अलोकेशन कर दिए। 9 - 9 = 0, 25 - 9 तो यहाँ पर क्या बचा 16। जो हमारी सेल, जो हमारा सप्लाई और डिमांड 0 आ रहा है, उसको हम उस अप्रोप्रिएट रो में से जो सेल है उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर ये दो सेल क्रॉस हो गए, फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर से हम जो बचे हुए सेल है उसमें से मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर इतना ही पोर्शन बचा है, उसमें से मिनिमम क्या है अभी, तो मिनिमम है 4। तो 4 के लिए ये सेल, 4 का सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो 4 के लिए मैंने अप्रोप्रिएट सप्लाई और डिमांड चेक किया। सप्लाई है 28, डिमांड है 25, मिनिमम क्या है 25, तो मैंने यहाँ पर 25 का एलोकेशन कर लिया। जो एलोकेशन किया वो मैं माइनस कर दूंगी सप्लाई और डिमांड में से। 25 - 28 - 25 = 3 - 25 - 25 = 0। तो यहाँ पर मेरा डिमांड 0 हुआ है, तो अप्रोप्रिएट कॉलम में से जो रिमेनिंग सेल है वो मैंने कैंसिल कर दिए। अब यही पोर्शन बचा है, उसमें से फिर से मैं मिनिमम सेल निकालूंगी। तो मिनिमम कॉस्ट वाला सेल कौन सा है, तो 6 है, तो मैं इसको अलोकेशन कर दूंगी। तो यहाँ पर अलोकेशन, यहाँ पर डिमांड है 16, सप्लाई है 20, तो मैंने 16 का अलोकेशन कर दिया। 16 - 16 = 0, यहाँ पर बचा 4। तो उसके बाद फिर से ये जो है ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे दो सेल। उसके बाद फिर से मेरे पास 3 ही सेल बचे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 और 7, दैट इज़ यहाँ पर जो मेरे मिनिमम कॉस्ट है उसकी टाई हो रही है। दोनों में मिनिमम कॉस्ट सेम है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो मैं कौन सा सेल सिलेक्ट कर दूंगी। अगर मैंने ये सेल सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर 18 है, 25 है, अलोकेशन आ जाएगी मेरी 18 की। और अगर मैंने ये सेल सिलेक्ट कर दिया 7, तो यहाँ पर 25 और 3 है, तो मिनिमम क्या है 3, तो अलोकेशन आ जाती है 3 की। इसके लिए 18 की एलोकेशन आ जाती है, इसके लिए 3 की एलोकेशन आ जाती है। जब टाई हो रहा है तो मैक्सिमम एलोकेशन का सेल हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन इस सेल को हो रही है, तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर दिया। 18 - 18 = 25 - 18
7. तो यहाँ पर ये मेरा सप्लाई ज़ीरो हो रहा है, लेकिन सप्लाई में से रिमेनिंग कॉस्ट ऑलरेडी मेरे क्रॉस है, तो मेरे पास अभी दो ही सेल बचे, 7 और 8. 7 और 8 में से मिनिमम क्या है, 7. तो अभी मैं सेकेंड टाइम 7 का एलोकेशन कर रही हूँ. तो यहाँ पर फिर से मैं मिनिमम चेक करूँगी, 3 और 7. मिनिमम क्या है उसमें, 3. तो मैंने यहाँ पर 3 का एलोकेशन कर दिया, और यहाँ पर 3 माइनस 3 ज़ीरो, 7 माइनस 3 4. और यहाँ पर मेरी अभी देखो तो एक ही सेल बची है, तो यहाँ पर मैंने दोनों भी जगह सप्लाई भी 4 है, डिमांड भी 4 है, तो मैंने 4 का एलोकेशन कर दिया, 4 माइनस 4 ज़ीरो, और यहाँ पर भी क्या आया, 0. उसके बाद अगर हमें आपको ये चेक करना है दिया हुआ प्रॉब्लम वो IBFS है या नहीं, IBFS मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ अलोकेशन इज इक्वल टू m plus n minus 1 है या नहीं. तो यहाँ पर मैंने अलोकेशन कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और m plus n minus 1 means m means row, n means column, minus 1. यहाँ पर मेरे रो है 4, रो है 3 कॉलम, 4 plus 3 7, minus 1 6. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो हमें अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे. XIJ into CIJ. XIJ मीन्स हमारे एलोकेशन, और CIJ मीन्स यह हमारी कॉस्ट. ये है मेरा XIJ और ये मेरी कॉस्ट मीन्स CIJ. तो उसका मल्टीप्लीकेशन कर कर हम कॉस्ट निकालेंगे. तो यहाँ पर 9 into 3 प्लस 25 into 4 प्लस 3 into 7 प्लस 4 into 8 प्लस 16 into 6 प्लस 18 into 7. तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम उसको जेड भी डिनोट करते हैं, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर हो कैलकुलेट कर कर आ गई 402. तो ये हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला यूजिंग LCM मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का. ये आ गई हमारी 402. तो है, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस पहले मिल सके. थैंक यू.